Okay, welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your two questions of homework exercise of 19.4. 19.4 की homework exercise में ये दो question मैं आपको doubt है. Question 11, question 12. Let us see question number 11. If matrix A denotes the integer, sorry, this is not matrix A. This is your integral part of A. Greatest integer function of A denotes the integral part of A. And x is equal to a3y plus a2z. x है हमारे पास a3y plus a2z, y is equal to a1z plus a3x, z is equal to a2x plus a1y, where x, y, z are not all zero. ठीक है, ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो मैंने शायद इन क्लास एक्सरसाइज में आपको ये टाइप का कराया था, जो मीत ने पहले पूछा था, यही शायद उसमें भी 10, 11, 12 के नंबर का ही था. तो हम पहले इसको अरेंज कर देते हैं एक्स वाई जेड के ऑर्डर में. सो दिस विल बी एक्स माइनस ए थ्री वाई माइनस ए टू जेड इक्वल टू जीरो, देन ए थ्री एक्स माइनस वाई प्लस ए वन जेड इक्वल टू जीरो. ए वन ए टू ए थ्री ध्यान रखना है हमें पोजिशन. ए टू एक्स प्लस ए वन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो. अब हमें यहाँ बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों जीरो नहीं है. तीनों के तीनों जीरो नहीं है मतलब इसका जीरो सॉल्यूशन है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है? डेफिनेटली इट इज हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन, करेक्ट. अब अगर ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो इसके लिए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा अनगा? अनगा आर यू देयर? अनगा मैं बोला था रिस्पॉन्स है यस जीरो. सो डिटरमिनेंट ए विल बी जीरो. वेरी गुड. देन वी आर दे आर टेलिंग दैट इफ ए वन इज इक्वल टू एम माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एम, एम बीइंग अ नॉन इंटीग्रल कांस्टेंट, एम आपका इंटीजर नहीं है, देन ए वन ए टू ए थ्री इज. अब ये पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इज. अब ये सिर्फ ए वन के लिए बोला गया है कि ए आई मतलब तीनों के लिए बोला गया है, वो हमें पहले देखना पड़ेगा. इज इट ओनली ए वन और फॉर ऑल ऑफ देम? This we need to check. Yes or no? चेक करो ए वन के लिए कि ए आई के लिए, क्योंकि मैंने ये ब्लैक थीम में कन्वर्ट किया तो मुझे तो सिर्फ ए वन दिख रहा है. सर ए वन ही है. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री. ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन माइनस वन, लेस देन वन, लेस देन माइनस वन. चलो चेक करते हैं. एंड ये नॉन इंटीजर है, आपको ये बोला कि एम नॉन इंटीजर है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एम वो जीरो से वन के बीच में आएगा. सो कैन आई से दैट ए वन आपका जीरो से वन के बीच में आएगा? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ए वन जीरो से वन के बीच में आएगा. आया ना? चलो अब हम जाते हैं डिटरमिनेंट ए की तरफ. सो हियर डिटरमिनेंट ए विल बी वन माइनस ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस वन ए वन, ए टू ए वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं? कैन यू सी डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल सकते हैं सारस रूल या नॉर्मल एक्सपेंस? ओके, सो डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, आइदर नॉर्मल एक्सपेंशन और सारस रूल. बोलो कौन सी मेथड फॉलो करेंगे? सर कोई भी चलेगा. ठीक है, बोलो रौनक आप मुझे बता सकते हैं आप जो मेथड बोलोगे वो मेथड हम फॉलो करते हैं. अब इसको हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को. बोलो सारस रूल करेंगे डायरेक्ट? ओके, कृष्णा इज टेलिंग एक्सपेंशन. ठीक है कृष्णा, एक्सपेंशन करते हैं. कौन सी रो से करना चाहोगे? जल्दी जल्दी फर्स्ट रो से कर दें. तो वन, कृष्णा आप भी मुझे बताओ वन के साथ क्या आएगा? सर माइनस वन इंटू, ओके वन के साथ जब प्रोडक्ट होगा तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा. देन माइनस ए वन इंटू ए वन क्या हो जाएगा? ए वन. वेरी गुड. चलो उसके बाद सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हो? माइनस ए थ्री को प्लस ए थ्री, प्लस ए थ्री उसको हम कैसे लिखेंगे? अगेन रो एंड कॉलम में हाइड कर रहा हूँ. ए थ्री इंटू माइनस 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 ए टू ए वन, ए टू ए वन और ए वन ए. चलो फिर माइनस ए टू उससे हम क्या लिखेंगे? माइनस ए टू. ओके चलो यहाँ पे ए थ्री इंटू ए वन, फिर ए वन ए थ्री एंड प्लस ए टू. वेरी गुड कृष्णा.
is equal to zero. चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज वन माइनस ए वन स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए वन ए टू ए थ्री माइनस ए वन ए टू ए थ्री माइनस ए टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो दिस इज वन माइनस ए वन स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू ए थ्री इक्वल टू जीरो. करेक्ट, बिकॉज ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, वो मिलकर टू ए वन ए टू ए थ्री हो जाएगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? यस सर. चलो अब हमें वैल्यू निकालनी है ए वन ए टू ए थ्री की, जो हमें पूछा गया. दे आर आस्किंग अस टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए वन ए टू ए थ्री एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, कि वो ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन माइनस वन होगा, लेस देन वन होगा या लेस देन माइनस वन होगा. वेर यूजिंग दिस कि ए वन आपका एम माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एम है, ए वन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एम है, जहाँ पे एम आपका इंटीजर नहीं है. तो ए वन जीरो से वन के बीच में है, ए वन जीरो से वन के बीच में, उसका आपको यूज करना. सर ए वन जीरो भी हो सकता है ना? ए वन जीरो तब होगा जय शरण जब एम इंटीजर होगा. करेक्ट, क्योंकि इंटीजर के लिए वो जीरो होगा ना. एंड हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एम इज नॉन इंटीजर. अच्छा बोला, ठीक है सर. सो दैट्स व्हाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके चलो, तो ए वन हमारा जीरो से वन के बीच में होगा. वहां पे ज्यादा से ज्यादा हम ये फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास ए वन स्क्वायर है, तो ए वन स्क्वायर भी जीरो से वन के बीच में होगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन. ज्यादा से ज्यादा उसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म देख रहे हो तो वो है वन माइनस ए वन स्क्वायर. वन माइनस ए वन स्क्वायर को भी हम फाइंड कर सकते हैं कि पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन लेस देन माइनस ए वन स्क्वायर लेस देन जीरो, वन माइनस वन जीरो लेस देन वन माइनस ए वन स्क्वायर लेस देन जीरो प्लस वन वन ओनली. सो वन माइनस ए वन स्क्वायर भी आपका जीरो से वन के बीच में होगा. क्या इसके बाद और कुछ कर सकते हैं? Am I correct? Hi Anna, please give me some response. इसके बाद हम कुछ और कुछ कर सकते हैं? सर मैंने यहाँ पे a1 square plus a2 square plus a3 square by 2 जो वैल्यू आएगा, इसको सिंपलीफाई करने पे इक्वेशन में वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो उससे भी हम मैंने एक निकाला है इक्वेशन. ठीक है, आपने कैसे निकाला बताओ? A1 square, A2 square, A3 square को उस तरफ लेके गए तीनों को कि सब. हाँ सर, आपको सिर्फ A1, A2, A3 रखेंगे. ठीक है, तो कि माइनस टू A1, A2, A3 को उस तरफ लेके गए. नहीं सर, मतलब A1, A2, A3 एक जगह पे होना चाहिए बस. ठीक है, सो A1, A2, A3, ओके. तो ये 1 माइनस A1 square माइनस A2 square माइनस A3 square हम देख रहे हैं जय शरण ने कैसे किया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1, A2, A3. फिर 2 को आपने सब्जेक्ट बनाया तो 2 इधर आ जाएगा. करेक्ट जय शरण? हाँ सर. चलो नेक्स्ट, उसके बाद सर वो माइनस जो है कॉमन लेंगे. हाँ, 1 बाई 2 माइनस. ओके, 1 बाई 2 माइनस हाफ A1 square plus A2 square plus A3 square. Okay. Which is equal to A1, A2, A3. Correct? हाँ सर. ठीक है, उसके बाद सर मैंने क्या किया कि सिर्फ वो A1 square, A2 square और A3 square जो उसको right side से लेकर गया, तो RHS पूरा पॉजिटिव रहेगा. 1 माइनस 2 A1, A2, A3 ये जो है सर, ये वाला चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगा. हाँ, इसके वजह से. एक मिनट ना, एक मिनट. तो बैकग्राउंड नॉइस अभी भी आ रहा है क्या जितेंद्र? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या इधर? हाईली है भाई, आ रहा है तो चलेगा. सुन नहीं पाया आपने क्या बोला, कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? सर अगर A1 square, A2 square, A3 square को RHS लेकर जाएंगे तो RHS तो हमेशा पॉजिटिव होगा.
RHS always positive होगा, ठीक है? हमेशा positive होगा. तो 1 minus 2 A1 A2 A3 जो बच रहा है LHS में वो भी हमेशा positive होगा. ठीक है. 1 minus 2 A1 A2 A3 equal to A1 square plus A2 square plus A3 square. This will be always positive. Always positive. क्योंकि ये A2 A3 के बारे में पता नहीं, वो zero हो सकता है, but ये A1 तो zero नहीं होगा, ठीक है? तो इसको जैसे A1 A2 A3 is less than 1/2 आ जाएगा. ठीक है. 2A1, A2, A3 is less than half. मतलब sorry. नहीं sir, 2. Is less than half. ठीक है. But वो less than half है तो फिर less than of course less than 1 भी लिख सकते हैं ना sir. फर्क नहीं पड़ता है. Agree. But वो B और C option में यही है कि sir मेरे को भी C आ रहा है. वो बी में ये है कि वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है. अगर माइनस वन से ग्रेटर है तो मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है वो, माइनस वन से जीरो के बीच का. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, समझो. तो ये जो आपने किया दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. A1 A2 A3 लेस देन हाफ है. अब वो नेगेटिव होगा कि नहीं वो हमें चेक करना है. A1 A2 A3 A1 तो नेगेटिव नहीं होगा, वो क्लियर है, बट A2 और A3 के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं है. कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो हो सकता है A1 तो आपका पॉजिटिव होगा 0 और 1 के बीच में, राइट? बट अब वो हमें आगे देखना है कि क्या वो नेगेटिव होगा या नहीं होगा, उसके लिए कुछ और सोचते हैं. दिस इज डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन. चलो यहाँ पे लेट अस अप्लाई डिफरेंट जुगाड्स एंड चेक. समझना है, ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है. ये जो एक मिनट आपने किया है, ओके, सो दिस इज आवर वन ऑफ द मेथड. वहां से हमें एक कंडीशन मिली, अब इसको थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे. दूसरी कंडीशन के लिए मैं इसका यूज करना चाहूंगा, आइदर A1 स्क्वायर जो हमारा 0 से 1 के बीच में है, या 1 माइनस A1 स्क्वायर जो 0 से 1 के बीच में है. राइट, अब मुझे इसका यूज करना है. इसका यूज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस A1 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 A3 इक्वल टू 0. ठीक है, चलो ठीक है, समझना. 1 माइनस A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर, अगर मैं A1 स्क्वायर को उस तरफ लेके जाता हूँ, 2A1 A2 A3 को उस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 A3. एम आई करेक्ट? दिस विल बी A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 A3. नेक्स्ट, मुझे ये बताओ, अगर ये A1 स्क्वायर है, ये 2A1 A2 A3 है, मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना हो तो होल स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए? A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर. एम आई करेक्ट? और A2 A3 होल स्क्वायर, अगर मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है तो. ठीक है, तो अगर मैं वहां पे ऐड कर रहा हूँ RHS में, तो मुझे LHS में भी ऐड करना पड़ेगा A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर. ठीक है, दिस इज हियर जुगाड़, बिगेस्ट जुगाड़. अब ये जुगाड़ क्यों कर रहे हैं वो अभी हमें पता चलेगा वन बाय वन. सस्पेंस फर्स्ट. तो RHS आपका इधर हो जाएगा A1 प्लस A2 A3 होल स्क्वायर और नॉट? यस सर, RHS में आपके पास हो जाएगा A1 प्लस A2 A3 होल स्क्वायर. LHS में आपके पास होगा 1 माइनस A2 स्क्वायर वो एज इट इज. इन दोनों में से अगर मैं माइनस A3 स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या अंदर 1 माइनस A2 स्क्वायर बच सकता है? मतलब पहले 1 माइनस A2 स्क्वायर में से कुछ कॉमन नहीं निकला, दैट इज 1. तो इन दोनों में से 1 माइनस A2 स्क्वायर आपका कॉमन, इधर 1 माइनस A3 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 A3 होल स्क्वायर.
एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना? यस सर. ठीक है चलो. वही सेम चीज अगर हो सकती है, अगर मैंने तो यहाँ पे क्या किया, ए वन स्क्वायर को उस तरफ ले जाके किया, ए वन स्क्वायर की जगह अगर ए टू स्क्वायर लेके जाता फिर वहां पे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता तो ए वन स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर एड करना पड़ता. ए वन स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर एड करता तो मुझे यहाँ पे मिलता 1 - a1² इंटू 1 - a3² इज इक्वल टू, जैसे ए वन ए थ्री यहाँ पे एड किया इधर मुझे ए वन ए थ्री मिलता और यहाँ पे मैंने टू को लेके गया था तो इधर इट विल बी ए टू. एम आई करेक्ट? अगर मैं ए वन की जगह ए टू को ले जाता तो मुझे ए टू प्लस ए वन ए थ्री होल स्क्वायर मिलता. सिमिलरली अगर मैं ए थ्री को लेके जाता देन आई कुड हैव गॉट ए थ्री प्लस ए वन ए टू होल स्क्वायर, यहाँ पे मिलता 1 - a1² और 1 - a2². इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. यस सर. पहला हमने क्या उसी तरीके से सिमिलरली. अब हमें किसका यूज करना है, हमें आइदर ए वन स्क्वायर का यूज करना है 1 - a1² का यूज करना है. मुझे ये बताया कि 1 - a1² पॉजिटिव है, 0 - 1 के बीच में. 1 - a1² इन तीनों रिजल्ट्स में से, अभी जो मुझे तीन रिजल्ट मिले हैं उन तीनों रिजल्ट में से 1 - a1² मेरा दो रिजल्ट के अंदर है. हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. 1 - a1² मेरा इधर भी है, 1 - a1² इधर भी है. दोनों रिजल्ट को फोकस करते हैं. हाँ सर, इससे हम बोल सकते हैं 1 - a3² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 - a2² हमेशा पॉजिटिव रहेगा. यस, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव. हाँ, यहाँ पे 1 - a2² विल बी इक्वल टू a3 प्लस a1 a2 होल स्क्वायर अपॉन 1 - a1² व्हिच विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है और a3 प्लस a1 a2 होल स्क्वायर ये ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा. करेक्ट? हाँ या ना? हाँ सर. सिमिलरली इधर 1 - a3² will be equal to a2 plus a1 a3 whole square upon 1 - a1² always आपका positive है. a2 plus a1 a3 whole square ये भी आपका always positive होगा, तो 1 - a3² भी positive होगा. okay, तो अब आपके पास तीनों के लिए condition है. now you are having condition that 1 - a1² is lies between 0 - 1, right? 0 - 1 मतलब जीरो से तो बड़ा ही है, 1 से छोटा है. 1 - a2² और a3² का अपर लिमिट नहीं है. 1 - a2² पॉजिटिव है, 1 - a3² भी पॉजिटिव है. हमें a1 a2 a3 चाहिए, इसका हमने यूज कर लिया. अब ये हमें यूज करना है लास्ट a1 a2 a3 हमारे पास यहाँ पे 1 - a1² - a2² - a3² इसका यूज करने के लिए सिर्फ +2 - 2 कर सकते हैं. यस, या फिर अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे 1 - a1² - a2² - a3² तो मिल ही जाएगा, क्योंकि तीनों कंबाइन है. जो 1-1 एक्स्ट्रा मिलेगा उसे उस तरफ हम भेज सकते हैं. हाँ या ना? राइट. तो अगर इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, एडिंग ऑल ऑफ देम आई एम गोइंग टू गेट 1 - a1² प्लस 1 - a2² प्लस 1 - a3² is positive. Now 1 + 1 - 2 + 1 - 3, right? But नहीं, हमें वैसे convert नहीं करना है. We require 1 - a1² - a2² - a3² तो 1 - a1² - a2² - a3² हमें यही चाहिए. तो ये 1 और 1 - 2 उसको उस तरफ में भेज दूंगा तो greater than -2 हो जाएगा. You can tell me yes if you agree everyone. हाँ या ना? हाँ सर. तो अब a1 - a1² - a2² - a3² को मैं 2a1 a2 a3 लिख सकता हूँ, right? From this equation, it will be 2a1 a2 a3 is greater than -2. From here, a1 a2 a3 will be greater than -1. तो यहाँ से हमें a1 a2 a3 का मिनिमम वैल्यू मिला जो -1 है, और जो यहाँ पे अभिराम ने किया था उससे हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू मिला जो हाफ है, right? मतलब मैक्सिमम अपर लिमिट. Is this clear everyone? हाँ सर, got it. सर वो जो मैंने बताया था उसमें भी half ही आ रहा था. हाँ, पर जयशरण आपने जो बताया उसमें फिर आप बीच में अटक गए थे ना, उसमें आपने नहीं सर, वो जो a1² + a2² + a3² / 2 आता है उसका वैल्यू हमेशा मोर देन जीरो रहेगा, तो वो हाफ माइनस वो जो वैल्यू है वो
हाफ से कम ही रहेगा वो a1 a2 a3 हाँ ठीक एग्री यस मुझे लगा आप वहां से अटक गए मुझे लगा फिर वहां पे कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 यहां पे जो हमें मिला उसे 2 3 4 हम नाम दे सकते हैं सर तो यहां पे बी एंड सी दोनों करेक्ट हो जाएगा ना सर क्योंकि अगर एक को सॉल्व करने से दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा वैसे ठीक है सो बी इज ग्रेटर देन -1 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता तो हम सी भी ऐड करेंगे सिंगल करेक्ट में वो ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है क्योंकि वो डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू से दिया है वो मैक्सिमम ग्रेटर देन माइनस वन भी रिलेवेंट नहीं है ना क्योंकि हमेशा वो वैल्यू 1/2 से कम ही है डायरेक्टली वो तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वैसे देखने से अरे पर मिनिमम वैल्यू इक्वेशन आ गया ना ग्रेटर देन माइनस वन हाँ तो लेस देन माइनस वन भी तो करेक्ट है लेस देन वन भी तो करेक्ट है सॉरी लेस देन वन भी करेक्ट है भी करेक्ट है बट अभी सिंगल करेक्ट दिया तो बी एक जो आया है उस पे वही करेंगे अब क्या ही कर सकते हैं वो है बट भाई सिंगल करेक्ट में ये कंफ्यूजन है कि क्लिक क्या करना है क्योंकि मान लो एग्जाम में अगर यहीं पे अटक गए ये आ गया a1 a2 a3 लेस देन हाफ तो कोई भी लेस देन वन यहीं तक करके सी ऑप्शन होगा सोचा था यही तक करके तो एग्जैक्टली ये दोनों उनको करेक्ट देने चाहिए अगर सिंगल करेक्ट भी आ रहा है तो ठीक है लेकिन जो लेस देन 1 वाला ऑप्शन है जो लेस देन 1 वाला ऑप्शन है उसमें 1/2 से लेके 1 वाला भी जो पार्ट रहेगा वो तो वैलिड नहीं रहेगा ना वो भी है एग्री बट मल्टीपल करेक्ट में वो आएगा वाले वो हो जाते हैं भाई इसलिए बी वाला थोड़ा ज्यादा एप्रोप्रिएट है इसलिए बी होगा सिंगल करेक्ट में मल्टीपल में दोनों होगा So this is literally a very nice question. Right. Last year we बहुत मजा आया था ये question में आपके seniors के साथ. So 1 minus a1 square minus a2 square minus a3 square minus 2 a1 a2 a3 equal to 0. वहाँ से either आप पहले ये निकाल सकते हो a1 a2 a3 less than half. उसके बाद वाला जो काम है वो बहुत interesting है. जहाँ पे 1 minus a1 square 0 से 1 के बीच में उसका हमें use करना है. तो उसका use करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया कि पहले आप a1 स्क्वायर को उधर लेके जा रहे हो या a2 स्क्वायर या a3 स्क्वायर को लेके जा रहे हो वहां पे होल स्क्वायर अप्लाई करने के लिए जो लास्ट टर्म ऐड कर रहे हो वहां से आपको मिलेगा 1 माइनस a2 स्क्वायर इनटू 1 माइनस a1 स्क्वायर इक्वल टू समथिंग 1 माइनस a1 स्क्वायर इनटू 1 माइनस a3 स्क्वायर 1 माइनस a1 स्क्वायर इनटू 1 माइनस a2 स्क्वायर बट जो हमें पता है वो 1 माइनस a1 स्क्वायर के बारे में पता है तो उसका यूज करके 1 माइनस a2 स्क्वायर और 1 माइनस a3 स्क्वायर में पता चल जाएगा पॉजिटिव इन सबको अगर ऐड करेंगे और हमारे जो प्रीवियस इक्वेशन है दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1 उसका जब मैं यूज करूंगा तो हमें वहां पे उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी इट यूजिंग इक्वेशन 1 सो अल्टीमेटली हियर वी कैन से दैट a1 a2 a3 विल बी ग्रेटर देन माइनस 1 एंड लेस देन हाफ कर दो क्विकली फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज इसमें आपको डाउट नहीं था साम्या नहीं सर क्लियर हो गया सभी लोग लिख रहे हैं ज्यादा टाइम लगेगा तो मुझे बता दो तो फिर मैं अटेंडेंस लेना शुरू करता हूँ एंड अगर सबको नहीं लिखना है तो फिर हाँ सर अटेंडेंस लेने
Can you see this question number 12 on screen, everyone? There are three values of t for which the following system of equation has non-trivial solution. Samajhna. There are three values of t for which the system of equation has non-trivial solution. Non-trivial solution ka matlab kya ho gaya? Everyone. Non-zero solution. Isn't it? Non-zero solution means determinant kya hona chahiye? Zero. Now, determinant yahan pe hum likhte hain. What will be our determinant here? अब देखो तो x, y, z के फॉर्म में आपको दिया गया है a minus t, b, c. This is a minus t. Then b, c minus t, a. And here c, a, b minus t is equal to zero. Hope you can see this. Yes or no, everyone? Sir. अब आपको ऐसा बोल रहा है कि t की value आपको मिल रही है तीन. तो डेफिनेटली ये टी में आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा जब आप इसको एक्सपांड करोगे. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ठीक है, अब इसको हम एक्सपांड कैसे करेंगे? एक्सपांड करने के लिए कौन कौन से मेथड हमारे पास अवेलेबल है? रिया, क्या कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं या डायरेक्ट एक्सपांड करेंगे? रिया, आर यू देयर? जो भी आपके मन में आप बोलो, राइट? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सही हो गलत हो, क्योंकि दिस इज मैथ्स. Nidhi, can you speak? Nidhi, are you there? Rahil? Pradyumna? Nidhi, काम करता है, एक-एक करके सबके नाम मैं बोल देता हूँ. Neet? Yes, sir. हाँ बोलो, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या डायरेक्ट एक्सपांड करेंगे या कोई प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं? सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया गलती से. साम्या को म्यूट कर रहा था. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अगेन एंड यू कैन टेल. सर, सारस रूल करेंगे तो? सारस रूल करेंगे तो वहां से भी हम एक्सपांड कर सकते हैं. या डायरेक्ट आप करो, सॉरी, डायरेक्ट आप करो तो वहां से भी एक्सपांड कर सकते हो, राइट? जो भी मेथड फॉलो करनी हो. यू वॉन्ट टू फॉलो सारस रूल? हाँ सर, सारस रूल कर दो. ठीक है, आर्यन इज सजेस्टिंग C1 में अगर सब ऐड कर देंगे, C1, C2, C3, तो A plus B plus C minus T, A plus B plus C minus T, A plus B plus C minus T, हाँ, वो हो जाएगा. वहां से हम A plus B plus C minus T कॉमन ले सकते हैं, तो 1-1-1 आएगा, तो वो कर सकता है, वो थोड़ा बेटर लग रहा है. चलो, लेट अस सी. और वो सेम काम आप रो वाइज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉलम वाइज ही किया जाए. ओके, सो हियर, और फाइनली आपको पूछा क्या है वो देखो क्वेश्चन में. हमने क्वेश्चन ही आता पड़ा. वी कैन एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैल्यूज ऑफ टी इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट. तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैल्यूज ऑफ टी मतलब t1, t2, t3, ये प्रोडक्ट. टी में आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, वहां से प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, वो वाला कंसेप्ट हमें यूज करना है. समझ रहे हो ना एवरीवन? आया ना? तो चलो, जो आर्यन ने बोला वो अगर हम ट्राई करें, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर मैं कर दूं, then my this determinant will become A plus B plus C minus T, A plus B plus C minus T. सर, एक्चुअली हम सारस रूल अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म के लिए हम एक्सपेंड करेंगे, तो बाकी वाले चीज को एक्सपेंड करना जरूरत भी नहीं पड़ेगा. तो अगर वो फर्स्ट वाला टर्म जो a माइनस t इंटू c माइनस t इंटू b माइनस t है, तो उसमें से t वाले को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, सिर्फ a इंटू b इंटू c, वो एक ही कांस्टेंट टर्म से जनरेट होगा. तो एक ही चीज को देंगे तो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म वैसे ही मिल जाएगा. मतलब क्यों t से मल्टीप्लाई करने की क्यों जरूरत नहीं है? अच्छा, वो डी बाई ए के लिए. हाँ सर, वो लास्ट वाला टर्म तो वैसे भी ऐसे ही होगा. बट यहाँ पे फिर ए भी तो हमें चाहिए, तो टी क्यूब हमें ये मिल जाएगा. हाँ, ये टी क्यूब तो 1 ही होगा उसका, माइनस वो अकेला ऐसे ही है. हाँ, एक्चुअली माइनस टी क्यूब मिलेगा, तो हाँ, इस तरफ जाकर वो इसके साथ भी वैसे माइनस आ रहा है, तो That will be good approach. Yes, yes, agree. तो अगर हम सारस रूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, गुड ऑब्जर्वेशन अभिराम. जैसे यहाँ पे अगर मैं a माइनस t, b, c लिख रहा हूँ, समझना, फिर b
सी माइनस टी और ए लिख रहा हूँ. सो जब भी हम रो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, एम आई करेक्ट, चेक एवरीवन. तो अब हमें अल्टीमेटली टी वन टी टू टी थ्री चाहिए. टी वन टी टू टी थ्री होता है माइनस डी बाई ए. जब हमारा इक्वेशन बन रहा है ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इक्वल टू जीरो, मतलब हमें पर्टिकुलरली पूरा क्यूबिक इक्वेशन भी नहीं चाहिए, हमें टी क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए और कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए, हाँ या ना? तो क्यों ना उसी पे फोकस किया जाए. जब मैं यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर जब टी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तब टी क्यूब मिलेगा, जब ए बी सी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो कॉन्स्टेंट मिलेगा. यहाँ पे मुझे कॉन्स्टेंट मिलेगा, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट मिलेगा. इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टी भी मिलेगा और कॉन्स्टेंट भी मिलेगा. यहाँ पे भी टी और कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भी टी और कॉन्स्टेंट, करेक्ट? ओके. तो इस मेथड से आगे बढ़ते हैं और सिर्फ कॉन्स्टेंट पे फोकस करते हैं. तो दोनों सर सिर्फ कॉन्स्टेंट और टी क्यूब से वो ए वाला टर्म निकल जाएगा. तो वैसे भी जो आपने बोला वो भी सही है आर्यन, राइट? दैट विल बी फॉर होल इक्वेशन, फॉर होल इक्वेशन दिस विल बी गुड. अब यहाँ पे भी देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. सो इफ आई मल्टीप्लाई हियर ए माइनस टी सी माइनस टी बी माइनस टी, मैं सिर्फ टी के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो दिस विल बी माइनस टी क्यूब और अब सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस ए बी सी, करेक्ट? इधर प्लस ए बी सी, हाँ सर, यहाँ पे प्लस ए बी सी, राइट? चलो माइनस. अब यहाँ पे जब ये होगा सी इंटू सी इंटू सी सी क्यूब, राइट? टी वाला हमें नहीं चाहिए. इधर ए क्यूब, टी वाला हमें नहीं चाहिए. सिमिलरली बी क्यूब, टी वाला हमें नहीं चाहिए. हम सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म ले रहे हैं, टी क्यूब का कोएफिशिएंट देख रहे हैं. सो देयरफॉर माइनस टी क्यूब प्लस यहाँ पे एग्जैक्टली हमें मिलेगा थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू जीरो. हमारे पास है, यस, दिस विल बी अवर डी एज पर द क्वेश्चन, दिस विल बी अवर ए. सो टी वन टी टू टी थ्री, हाँ, थ्री ए बी सी इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. सो माइनस डी अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी इट इज ओनली डी बाई ए, राइट? माइनस बी बाई ए, डी बाई ए, सॉरी माइनस डी बाई ए होंगे, माइनस डी बाई ए, माइनस माइनस वो कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ओनली, करेक्ट? टी वन टी टू टी थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब. चलो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि उसको कौन से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है. सो बेसिकली ट्रायल एंड एरर करके देखना है कि कब हमें थ्री ए बी सी, सर ऑप्शन तो ये ए बी सी है. अगर मैं यहाँ पे सारस रूल लिख रहा हूँ, ए बी सी इधर एंड बी सी ए इधर, तो ये भी आपका वेट थोड़ी स्पेस रखने रह गई, ए बी सी बी सी, तो इधर भी बी ए सी हो जाएगा, इधर भी ए बी सी हो जाएगा. थ्री ए बी सी हो गया माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहीं पे हमारा काम हो गया, आया ना? फिर ये वही है, उसको टू से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है या माइनस टू से मल्टीप्लाई किया गया है. सो ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर, करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. सो अभिराम वेरी गुड, राइट? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, समझाते हैं. ठीक है, फिर से समझाता हूँ. समझो इन दिस क्वेश्चन हमें ऐसा बोला गया है कि t की तीन वैल्यू ऐसी है, सपोज t1 t2 t3, जिसके लिए आपकी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है. अब होमोजेनियस सिस्टम के जब नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है तब हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट a इक्वल टू जीरो, राइट? डिटरमिनेंट के आपके कोएफिशिएंट आ जाएंगे a माइनस t, b c, b c माइनस t, a c, a b माइनस t, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, राइट? नाउ अब ये डिटरमिनेंट को आप ले रहे हो जीरो, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो व्हेन इट इज हैविंग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन. एंड आपको बोल रहे हैं तीन रूट्स मिल रहे हैं, मतलब डेफिनेटली आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा टी में. जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा. हमें क्यूबिक इक्वेशन नहीं चाहिए. अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन चाहिए तो आप डिटरमिनेंट को डायरेक्टली एक्सपांड करो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एक्सपांड करो तो वहां से आपको मिल जाएगा. सेकंड थिंग, हमें बस चाहिए प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैल्यूज ऑफ टी, दैट इज टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री. हमें ये पता है कि जब क्यूबिक इक्वेशन हो वहां से टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री निकालना है तो माइनस डी बाई ए मिलता है. दैट इज हमें बस कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए और टी क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए.
तो जब हम इसे एक्सपैंड करने के लिए सारस रूल अप्लाई करेंगे तो सारस रूल से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा यहाँ पे हमें टी क्यूब मिल सकता है, टी स्क्वायर भी मिल सकता है, टी वाली टर्म भी मिल सकती है, हाँ या ना? बट उसमें से हम बस टी क्यूब उठाएंगे और कॉन्स्टेंट, तो टी क्यूब जब सारे टी एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, सारे कॉन्स्टेंट एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तब कॉन्स्टेंट, इधर मिलेगा माइनस टी क्यूब प्लस एबीसी, यहाँ तो पूरा कॉन्स्टेंट ही, इधर भी पूरा कॉन्स्टेंट है। फिर जब आप रिवर्स जाओगे तो इधर आपको मिलेगा कॉन्स्टेंट एज वेल एज टी का कोएफिशिएंट, बट टी का कोएफिशिएंट हमें नहीं चाहिए, इधर भी कॉन्स्टेंट टी का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंट टी का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। सो सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे टी क्यूब इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा या माइनस टी क्यूब प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो। अब हमें टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री चाहिए जो होता है माइनस डी बाई ए, दिस इज डी, ए इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, सो आंसर विल बी डी होंगी। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से ऑप्शन का आंसर है, तो सारे ऑप्शन में जब आप सिंप्लीफाई करोगे पहले ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल रहा है, सो आंसर इज ए। इज दिस क्लियर नाउ? हां सर, गॉट इट। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। टीपी में अभी कोई तो क्वेश्चन में ऐसे करना था तो इसलिए करते समय ये वाला किसमें, टीपीपी में? ओके हां सर, टीपीपी में कोई तो क्वेश्चन में ऐसे किया था मैंने। आई हैव एडेड स्टार मार्क हियर एज वेल, या जहाँ पे स्टार हमने ऐड किया उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं कंट्रोल टू। ये ऐड करने के लिए ठीक है, चलो आप इसे नोट डाउन कर दो फिर हम करेंगे वो।